हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी हाइस्ट मूवी द हैटन गार्डन जॉब को। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स ट्रिपल एक्स को देखते हैं। यहाँ पर इसको ट्रिपल एक्स इसलिए बताया गया है क्योंकि पूरी मूवी में इसका रियल नेम नहीं पता चलता है, और इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। उसके पार्टनर का नाम होता है जैक, और वो दोनों यहाँ पर एक बैंकर के घर में चोरी करने के लिए आते हैं, और ये दोनों चोरी कर भी लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर जैक को पकड़ लिया जाता है और जैक मुँह खोल देता है और ट्रिपल एक्स के बारे में बता देता है, और इसी के साथ ट्रिपल एक्स भी पकड़ लिया जाता है, और इसके बाद इन दोनों को ही जेल हो जाती है। यहाँ जेल में ट्रिपल एक्स का सेलमेट होता है जोल्टन। जोल्टन हंगेरियन मॉब में नी डीप तक डूबा हुआ था, और यहाँ पर वो ट्रिपल एक्स को बताता है कि हंगेरियन मॉब की लीडर किसी एक ऐसे आदमी को देख रही है जो कि चोरी करता हो, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी चोरी करवानी है, और ट्रिपल एक्स को कोई ऐसा ही मौका चाहिए था। इसीलिए जब वो 3 साल बाद सेल से बाहर निकलता है, तब वो जाता है हंगेरियन मॉब की लीडर से मिलने के लिए। उसका नाम होता है अर्जबेट। यहाँ पर अर्जबेट उसे बोलती है कि हटन गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं, और वो लंदन का ज्वेलरी शॉप्स का हब है। यहाँ पर रूबी, डायमंड, एमरल्ड ऐसे करके बहुत सारे डायमंड मिलते हैं, और इन्हीं सारी शॉप्स में से एक शॉप के अंदर एक वॉल्ट होता है। उस वॉल्ट के अंदर 300 लॉकर्स होते हैं जिनमें बहुत सारे पैसे और डायमंड होते हैं, और यहाँ पर अर्जबेट को वो डायमंड्स चाहिए थे, तो रिवॉर्ड के रूप में ट्रिपल एक्स वहाँ के पैसे रख सकता था, पर उसे वो डायमंड्स लाकर के देने पड़ेंगे। पर अब ट्रिपल एक्स बोलता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा सेफ है, वहाँ पर कोड्स हैं, सिक्योरिटी है। तो अर्जबेट उसे बोलती है कि उसके पास वहाँ के कोड्स हैं तो वह आसानी से एंटर कर सकता है। ट्रिपल एक्स के पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और ये एक बहुत अच्छा ऑफर होता है, तो इसलिए वो मान जाता है। तो अब यहाँ से वो जाता है डैनी के पास। डैनी अपने ज़माने में अच्छा चोर था, तो वो कहता है कि उसे उसी के टाइम के कुछ लोग चाहिए, क्योंकि आज के टाइम के जो भी यंग चोर होते हैं वो एक अच्छे चोर नहीं होते हैं, और वो आज के टाइम के चोरों को कार्टून कैरिकेचर बोलता है। तो डैनी भी उसकी बात मान जाता है, और फिर वो टीम इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। अब वो यहाँ से जाता है ब्रायन के पास और उससे बात करता है। ब्रायन अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, पर अपने ज़माने में वो भी एक अच्छा चोर था। यहाँ पर ब्रायन बोलता है कि वो ट्रिपल एक्स को जानता भी नहीं है, तो वो कैसे उसके ऊपर भरोसा कर ले। पर यहाँ पर डैनी उसे विश्वास दिलाता है कि ट्रिपल एक्स पर भरोसा किया जा सकता है। तो अब ब्रायन मान जाता है और बचे हुए 2 लोगों के बारे में बताता है। वो बोलता है कि हमें एक अच्छा ड्राइवर चाहिए होगा, और जिसके लिए हम केनी को लेंगे, जो कि अपने टाइम पे एक बहुत अच्छा ड्राइवर था और अभी भी अच्छे से ड्राइविंग करता है, और एक मसल मैन के लिए हम टेरी को लेंगे, और ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बूढ़े होते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हम मार्कस को देखते हैं। मार्कस यहाँ पर एक गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है जिसे उसी वॉल्ट से कुछ चाहिए, तो वो इसके लिए फ्रैंक की हेल्प लेता है। फ्रैंक पहले एक कॉप था जिसने ट्रिपल एक्स को पकड़ा था, पर अब वो रिटायर हो चुका है, और यहाँ पर मार्कस उसे बोलता है कि हैटन गार्डन में एक चोरी होने वाली है, और वो हंगेरियन मॉब से पंगे नहीं लेना चाहता, बल्कि उसे खुद उस चोरी से कुछ चाहिए। उसे बॉक्स 175 से कुछ सामान चाहिए, तो फ्रैंक उसका ये काम करने के लिए मान जाता है। और इसके बाद वो जाता है जैक के पास। वो जैक से पूछता है इस चोरी के बारे में, तो जैक उसे बताता है कि उसने ऐसा सुना है कि कुछ बूढ़े लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, और शायद ट्रिपल एक्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में इन सभी लोगों की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर ये सभी लोग ये जान करके शॉक्ड होते हैं कि इतने बुढ़ापे वाले एज में भी ये लोग उनसे एक चोरी करवाने जा रहे हैं। और शुरू शुरू में इनमें से कोई भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि सबको लगता है कि वो लोग पकड़े जाएंगे। पर अब यहाँ पर ब्रायन सबको भरोसा दिलाता है कि वो एक अच्छा सा प्लान बनाएगा, और उन्हें बस अपना अपना पार्ट करना है, और वो आसानी से इस चोरी को कर सकते हैं। अब वो उन्हें बताता है कि शॉप के अंदर हर किसी को उस जगह पर एंट्री नहीं मिलती है जहाँ पर वो वॉल्ट है। बहुत कम ही लोग अंदर जा सकते हैं, साथ ही में अंदर एक सिक्योरिटी कोड है। उसके बाद वहाँ पर लिफ्ट भी उस फ्लोर पर नहीं जाती है जिस फ्लोर पर वॉल्ट है, और वहाँ पर अंदर कोई भी कैमरा भी नहीं होता है, ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि वहाँ पर कौन आता है और कौन जाता है। और अंदर 200 मिलियन डॉलर्स हो सकते हैं। अब ये 200 मिलियन डॉलर सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं।
अब यहाँ पर टेरी का काम होता है कि वो उसी शॉप के पास नजर रखेगा और इस बात पर नजर रखेगा कि वहाँ पर कौन सा गार्ड कितने बजे आता है और कितने बजे जाता है। डैनी का काम होता है सेकेंड हैंड सारे इक्विपमेंट्स खरीदने का, ताकि अगर किसी को उनका इक्विपमेंट मिल भी जाए तो वो ये ना पता लगा पाए कि इसे कहाँ से खरीदा गया है और इसे खरीदने वाला कौन है। और केनी का काम होता है एक वैन खरीदने का जिसके ऊपर कोई भी नंबर प्लेट ना हो। फिर वो वहाँ का ब्लूप्रिंट देखते हैं और प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ब्रायन यहाँ पर बताता है कि 3 दिन की छुट्टी होने वाली है और हम इसी 3 दिन की छुट्टी में पहले दिन चोरी करेंगे, ताकि 2 दिन तक किसी को पता ही ना चले और हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन में XXX अर्जेबेट के पास जाता है, जहाँ पर उसे वो कोर्स देती है, लेकिन साथ में ये भी बोलती है कि अगर उसने डायमंड नहीं दिए तो उसका सौदा वो उसकी जान से करेगी। अब वो कोर्स लेकर के जा रहा था कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और फ्रैंक उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। अंदर वो बोलता है कि उसे पता है कि वो लोग चोरी करने जा रहे हैं, पर उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो बस बॉक्स 175 को चाहता है। तो अगर XXX अपने आप को और अपनी टीम को फ्रैंक के हाथों से बचाना चाहता है तो उसे वो बॉक्स ला करके देना पड़ेगा, क्योंकि भले ही फ्रैंक अब रिटायर हो चुका है पर अगर वो पुलिस को जाकर ये कुछ भी बोलेगा तो पुलिस उसकी बात ज़रूर मान लेगी। अब फ्रैंक यहाँ पर मान जाता है कि वो बॉक्स 175 को ले आएगा। अब नेक्स्ट सीन में फ्रैंक अपनी जगह पे होता है और वहाँ पर प्लानिंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर डैनी आकर के बताता है कि ब्रायन गिर गया था तो उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो लोग जल्दी से ब्रायन से मिलने जाते हैं। यहाँ पर ब्रायन बोलता है कि वो चोरी करने के लिए चलेगा कि तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है जो कि उसे कंप्लीट बेडरेस्ट के लिए बोल देता है। अब इनका 2 दिन बाद ही चोरी का दिन होता है और वो दिन भी आ जाता है। इस दिन डैनी जाता है ब्रायन को लेने के लिए, पर ब्रायन का बेटा उसे बात तक करने नहीं देता है और गेट से ही उसे वापस कर देता है। तो अब यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि ये लोग ब्रायन के बिना ही चले जाएंगे। तो अब ये तीनों शॉप के पास पहुँचते हैं और वैन के अंदर वहीं पर रोड पर काम करने वाले वर्कर की यूनिफॉर्म पहनने लगते हैं। दूसरी तरफ से XXX भी आ जाता है यूनिफॉर्म पहनकर, और तभी यहाँ पर ब्रायन आ जाता है। असल में जब उसका बेटा सो गया था तो वो वहाँ से निकल आया था, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी वो छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये लॉकर इतना बड़ा था और उसमें इतने सारे पैसे थे कि अब तक की सबसे बड़ी चोरी बन जाती। अब यहाँ पर ये सभी लोग पीछे वाले रास्ते से अंदर जाते हैं जहाँ से लिफ्ट नीचे जाती है, पर वो लिफ्ट उस फ्लोर तक नहीं जाती है जहाँ पर वॉल्ट होता है। अंदर पहुँचते ही सबसे पहले XXX एक साइलेंट अलार्म के पास जाता है और वो कोर्स जो उसे अर्जेबेट ने दिए थे वो उन्हें वहाँ पर डाल देता है और अलार्म ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर XXX रस्सी लगा करके रस्सी से नीचे उतरता है लिफ्ट के ऊपर ऊपर, और ऊपर जाते जाते वो उस फ्लोर तक पहुँच जाता है जहाँ पर वॉल्ट होता है। तो अब वो लिफ्ट को ओपन करता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वहाँ पर डैनी भी आ जाता है और फिर वो लोग अंदर की तरफ से जाकर वहाँ के दरवाज़ों को तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तब वहाँ पर टेरी और ब्रायन ऊपर से नीचे आते हैं। अब ये सभी लोग अंदर आ चुके होते हैं और अब ये होते हैं वॉल्ट के सामने। अब यहाँ पर ये लोग वॉल्ट को तो खोल नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर एटॉमिक बॉम्ब लगा होता है कि अगर किसी ने भी ज़बरदस्ती से खोलने की कोशिश करी तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये लोग वहीं पर बगल वाली वॉल में होल करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी सी मशीन लगाते हैं और बड़ी सी मशीन से अंदर होल करने लगते हैं, पर ये होल करते करते इन्हें 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। असल में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है क्योंकि वो वॉल काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। साथ ही वो लोग वहाँ के कैमराज भी कट कर देते हैं जिससे कि अब कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। जब यहाँ पर ये ड्रिलिंग का काम चल ही रहा था कि तभी XXX थोड़ी देर के लिए ऊपर आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर अलार्म दोबारा से ऑन हो चुका है और ये देख करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कैसे गलती से उन्होंने अलार्म को ट्रिगर कर दिया होता है। तो यहाँ पर वो फ्रैंक को कॉल करता है कि वो कॉल करके वो पता करे कि अलार्म ट्रिगर हुआ है या फिर नहीं। तो फ्रैंक ये काम कर देता है, पर टेरी XXX को देख लेता है कि वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है, तो वो नीचे आकर के हर किसी को बता देता है कि इसने किसी और को बताया है कि हम यहाँ पर चोरी कर रहे हैं। अब ब्रायन के पूछने पर XXX बोल देता है कि फ्रैंक ने उसे यहाँ से एक बॉक्स लाने के लिए बोला था और बदले में वो उनकी हेल्प कर रहा है। फ्रैंक अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम की कंपनी में किसी को जानता है जो कि उसकी हेल्प करके बता सकता है कि अलार्म ट्रिगर हुआ है या फिर नहीं, और फ्रैंक ने उसे बता दिया है कि अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ है। इसके बाद सब लोग दोबारा से अपने ड्रिलिंग का काम शुरू कर देते हैं, पर तभी बाहर से वहाँ पर एक गार्ड शॉप के सामने आ जाता है और वह ऐसे ही कुछ देखने लगता है। तो
तो तभी वैन में बैठे केनी को ये दिख जाता है और वो जल्दी से अपने वॉकी टॉकी से ट्रिपल एक्स को ये बात बता देता है। पर किस्मत से उस गार्ड को कुछ भी नहीं दिखता है और उसे कुछ भी शक नहीं होता है, तो वह आसानी से वहाँ से निकल जाता है। अब दोबारा से इनकी ड्रिलिंग चल रही थी कि तभी ब्रायन की तबीयत खराब हो जाती है। असल में वो खराब तबीयत से ही आया होता है और यहाँ पर उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और अब अचानक से उनकी ड्रिल भी बंद हो जाती है। असल में ड्रिल का एक पार्ट होता है जो कि खराब हो जाता है। अब इनके पास और कोई भी चारा नहीं होता है तो ये सभी लोग सामान इकट्ठा करते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। वो मशीन इतनी बड़ी थी कि ये लोग मशीन को वहीं पर छोड़ देते हैं और ऐसे ही वहाँ से निकल जाते हैं। मिशन अबॉर्ट हो जाता है और एकदम चोरी करते करते इनकी चोरी रुक गई होती है। अब नेक्स्ट सीन में ट्रिपल एक्स यहाँ पर बैठा होता है कि तभी उसे फ्रैंक का मैसेज आता है कि अगर उसने वो बॉक्स ला करके नहीं दिया तो फिर वो उसके सभी टीममेट्स को छोड़ेगा नहीं। असल में ट्रिपल एक्स को अभी तक ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक को नहीं पता है कि वो किन लोगों के साथ काम कर रहा है, पर अब फ्रैंक यहाँ पर उसे एक ग्रुप फोटो भेजता है जिसमें वो सभी लोग होते हैं जिनके साथ ट्रिपल एक्स काम कर रहा होता है। अब इस बात से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि तभी डैनी आकर उसे बताता है कि ब्रायन ने बोला है कि हमें ये काम ख़त्म करना पड़ेगा और हमें ये चोरी पूरी करनी है। तो एक बार फिर से ये लोग वहीं पर पहुँच जाते हैं क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ था क्योंकि अभी तक वो शॉप खुली ही नहीं थी और उनकी ड्रिलिंग मशीन भी वैसे ही वहाँ पर रखी होती है। ये लोग दोबारा से नया पार्ट उसमें लगा देते हैं और फिर से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। इस बार ये लोग उसके अंदर एक बड़ा सा होल कर लेते हैं और फिर ट्रिपल एक्स और डैनी अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ट्रिपल एक्स एक डिवाइस निकालता है जिसकी हेल्प से वो किसी भी लॉकर को बड़े ही आसानी से खोल सकते हैं। अब ये लोग धीरे धीरे करके सभी लॉकर्स को ओपन करने लगते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो निकालने लगते हैं। ट्रिपल एक्स यहाँ पर अर्जेबेट के लिए हीरे रख लेता है, साथ ही वो बॉक्स 175 भी रख लेता है। इसके बाद वो अपने लिए इनफ पैसे कलेक्ट कर लेता है और पैसे लेकर के वहाँ से निकलने लगता है। बाकी की चोरी अब डैनी के ऊपर थी कि उसे और उसकी टीम को जितने भी पैसे चाहिए उतने वो वहाँ से निकाल सकते हैं। ट्रिपल एक्स को जितना चाहिए था उतना वो ले चुका होता है तो अपनी सारी चीज़ें बैग में भरता है और वहाँ से सबको गुड बाय बोल करके निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो जैक के पास जाता है और उसे एक बड़ा सा हीरा दे देता है एज अ गिफ्ट और इसके बाद वो अपनी जगह पर ही होता है जहाँ पर उसने सारे पैसे और हीरे हर चीज़ फैला के रखी होती है कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो कि उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तो ट्रिपल एक्स बोलता है कि तुम्हारा बॉक्स वैसे रखा है और उसने उसे ओपन भी नहीं किया था तो तुम अपना बॉक्स लो और यहाँ से चले जाओ। पर अब फ्रैंक के मन में यहाँ पर लालच जाता है और वो कहता है कि मुझे बाकी सब भी चाहिए। ऐसा बोलकर वो ट्रिपल एक्स को बोलता है कि वो सारा सामान बैग में भरना शुरू कर दे और ट्रिपल एक्स ऐसा कर भी रहा होता है कि तभी वहाँ पर अर्जेबट आ जाती है। असल में ट्रिपल एक्स ने जानबूझकर जैक को वो हीरा दिया था क्योंकि उसे पता था कि जैक फ्रैंक से ज़रूर बात करेगा और फ्रैंक उसे ढूंढता हुआ आ जाएगा। साथ ही में उसने अर्जेबट को भी बुला लिया था ताकि अर्जेबट को देख कर फ्रैंक उसे कुछ भी ना कर पाए क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि इतने सारे पैसे देख करके फ्रैंक उसे इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर हंगेरियन मॉब की लीडर को देखकर फ्रैंक की फटके 30 हो जाती है और वो अपनी गन छोड़ देता है। इसके बाद एर्जेबेट अपने हीरे लेती है और वो गन दे देती है ट्रिपल एक्स को। ट्रिपल एक्स वो गन उठा लेता है और इसके बाद एर्जेबेट वहाँ से निकल जाती है। अब बाजी पलट चुकी होती है और गन होती है ट्रिपल एक्स के हाथ में। वो कहता है कि तुम अपना बॉक्स लो और निकलो यहाँ से, और फ्रैंक करता भी ऐसे ही है, वो बॉक्स उठा लेता है। तो ट्रिपल एक्स बोलता है कि मेरे ऊपर एक और फेवर करो। अब ये फेवर क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद फ्रैंक वहाँ से निकल जाता है और ट्रिपल एक्स भी सारे पैसे इकट्ठे करके वहाँ से चला जाता है। साथ ही में ये भी बोलता है कि बाकी सभी टीम में जो मस्त चिल कर रहे होते हैं, पर असल में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि सेकेंड डे जब वो चोरी करने जाते हैं तो केनी वहाँ पर वैन के बजाय अपनी पर्सनल कार लेकर के पहुँच गया था जिसकी वजह से कैमरा में वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसकी कार के नंबर से सभी लोग उस तक पहुँच जाते हैं और पुलिस उन चारों को ही पकड़ लेती है। पर ट्रिपल एक्स यहाँ पर बच जाता है और इसका रीज़न ये होता है कि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ट्रिपल एक्स का रियल नाम क्या है क्योंकि उसने वो नाम किसी को कभी बताया ही नहीं था। इसीलिए हमें पूरी मूवी में उसे ट्रिपल एक्स के नाम से बताया जाता है और पूरी मूवी में किसी एक जगह पर भी उसका नाम यूज़ नहीं किया गया था। अब उन सभी बूढ़े लोगों को 6 साल की सज़ा होती है और ट्रिपल एक्स को कोई भी पकड़ नहीं पाता तो वो मस्त चिल कर रहा होता है। साथ में उसने जो फेवर मांगा था वो ये था कि फ्रैंक पुलिस को बता दे कि वो शॉप से चोरी हुए हीरो में से एक हीरा जैक के पास है। असल में उसने जानबूझकर जैक को हीरा दिया था ताकि वो उसे पकड़वा सके क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में जैक ने उसे धोखा दिया था
और अब होता भी ऐसा ही है, पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे सजा हो जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर्सनली मुझे इस मूवी की स्टोरी तो अच्छी लगी, पर इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा नहीं था। मतलब कि हम किसी भी कैरेक्टर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये कनेक्शन इतना ज़्यादा लूज होता है कि अगर इनमें से किसी भी कैरेक्टर की डेथ भी हो जाती तो भी हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।